नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके पैरोडी चैनल लो वाली पर। तो आज हम जानेंगे डिजिटल कंपटीशन लो के बारे में, जिसने बड़े बड़े टेक जायंट गूगल, अमेजोन, फेसबुक सबकी चिंता का कारण बनकर आ गए हैं। क्या है ये सारा का सारा बिल, क्या इसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ इस कमेटी रिपोर्ट के अंदर डिजिटल कॉम्पिटिशन लो के बारे में, है ना। सब कुछ जानेंगे हम डिटेल के अंदर, क्या क्या बातें हैं सब। और अगर आपको अच्छे से समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड दोस्तों के साथ भी जरूर इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। जल्दी से आइए, सबसे पहले आते हैं इसके बारे में, ये है क्या बिल, देखिए ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट है कि ये लाया गया है एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस को रोकने के लिए, यानी कि मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक बाहर से कंपनी आए और पूरी मार्केट को कैप्चर करके बैठ जाए और कल को कोई नया बंदा आने की सोच भी ना पाए। सिमिलर टू ये थोड़ा सा ना कनेक्टेड है किससे, ईयू की एक, यूरोपियन यूनियन की एक बिल है, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट, मार्केट एक्ट, वहां से थोड़ा कनेक्टेड है। गूगल, एप्पल, अमेजोन जितने बड़े जायंट्स हैं हमारे टेक जायंट, सबने इसको अपोज करा है। दूसरा, सेपरेट बेंच, इस वाले लॉ के अंदर एक सेपरेट बेंच बनाई गई है, कंपनी नेशनल कंपनी लॉ को बोला गया है कि ना एक अलग से बनाइए कंपनी ट्रिब्यूनल को, कि एक अलग से बेंच बनाइए इस टाइप के केसेस को सोल्व करने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसको हैंडल कर रही है। क्या क्या इसके फीचर्स है, सब कुछ इसके अंदर जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके अंदर चार एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिल रहे हैं। पहला है प्रिडिक्टिव रेगुलेशन, यानी कि बड़ी की बड़ी कंपनीज को ना पहले ही उनको रूल्स बता दो कि ये रूल्स है हमारी कंपनी में अगर आपको डिजिटल मार्केट में काम करना है तो, क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो हम आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगाने वाले हैं, अब कोई माफी नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास एक्ट था वो था कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 था। इसमें क्या था कि गलती होने के बाद अगर कोई पकड़ में आ गया तब उसके ऊपर फाइन लगाया जाता था। तो इसके कारण क्या था, हमारी देश में इंडिया में भी काफी सारी सरकारें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के लिए इस लॉ को थोड़ा सा और हल्का करे जा रहे थे। इसका फायदा टेक जायंट्स उठा रहे थे, जैसे कि गूगल को पिछली बारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 1.3 करोड़ का फाइन लगाया था एंड्रॉइड इकोसिस्टम के अंदर इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि हर एंड्रॉइड के अंदर गूगल देखने को मिल रहा है तो नया बंदा आएगा कैसे। तो अब की बारी पहले से ही हम आपको रूल्स फ्रेमवर्क दे देंगे और ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, अगर गलती करी तो आप इसमें बहुत बड़ा भुगतान करेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट एंटिटीज, यानी कि जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं वो सबको हम एसएसडीई बोलेंगे, एसएसडी बोलेंगे सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज, यानी कि बड़ी बड़ी। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बिल है ना ये सिर्फ सबके लिए नहीं बनाया हुआ। अगर आप किसी ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बनाया गया है उन सब बड़ी कंपनीज के लिए जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है इंडिया की डिजिटल मार्केट को, बस ज्यादा छोटी मोटी कंपनियों के लिए नहीं है। लेजिस्लेटेड रेगुलेट ओनली एंटरप्राइज दैट हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, जिसका इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो इन्होंने बोला हम उसको ना एसएसडीई बोलेंगे, कुछ पैरामीटर बोले गए हैं जैसे कि उनका बेस, उनकी टर्नओवर 4000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, उनका यूजर बेस 1 करोड़ का होना चाहिए, बिजनेस 10000 बिजनेस उसके यूजर्स होने चाहिए, ये सब इनके बारे में बोला गया है एसएसडी बोलेंगे। एसएसडी बोलने से होगा क्या, ये लोग ना तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, सेल्फ प्रेफरेंसिंग, यानी कि कभी भी सेल्फ प्रेफरेंसिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अमेजोन पे कोई चीज खरीदते हो, खरीदते ही आपको कोई चीज सेल्फ प्रेफरेंस में आ जाती है कि नहीं यही वाली खरीद लो, क्योंकि जिससे अमेजोन को ज्यादा बेनिफिट होगा वो वही चीज आपके सामने रखेगा, तो ये अब से नहीं चलेगा। या फिर बंदा जो सर्च कर रहा है उसी से रिलेटेड अमेजोन आपको चीजें दिखा रहा है वो नहीं चलेगा। दूसरा, एंटी स्टेयरिंग मतलब अगर कोई बंदा इस ऐप से नहीं दूसरी ऐप से खरीदना चाहता है, मोस्टली ऐप वाले क्या करते हैं, आपका डेटा है सारा कुछ उनको पता ही है, तो वो आपको रिकमेंडेशन में ऐसे ऐसे इमेजेस प्रोडक्ट दिखाते रहेंगे कि आप उधर की तरफ ना जाए। ये चीज आपको यूट्यूब पर जरूर देखने को मिलती होगी कि आप उसी पर ही खड़े रहे, दिस इज कॉल्ड एंटी स्टेयरिंग। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारे को थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका एप्पल का सिस्टम है, एप्पल थर्ड पार्टी को एंटर नहीं करने देता, तो ये कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टीज को भी मौका मिलना चाहिए एप्पल के यूजर तक पहुंचने का, यानी कि मार्केट में फेयर कंपटीशन रहना चाहिए हर हालत के अंदर। तो बाकी देखो क्या होता है, लेकिन ये अलाउ करेगा एसएसडी बोलने पर। सिमिलरली एसोसिएट डिजिटल एंटिटीज, यानी कि इसी के अंदर एक एसोसिएट डिजिटल एंटिटीज भी बनेंगी। जैसे कि आप देखिए गूगल की एंटिटीज कौन कौन सी, गूगल एक सर्च इंजन है, बहुत सारा डेटा उसके पास इंडिया के ऊपर राज कर रहा है, पूरी मनमानी करने पर आ जाते हैं कभी भी जब इनकी मन करता है। तो डिजिटल एंटरप्राइजेस बनेगी, जैसे कि देखिए आपका गूगल मैप हो गया, एक मैपल एक ऐप होती है जिसके अंदर आप मैप देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि गूगल अपनी वाली गूगल मैप को हर जगह पे प्रेफर कर रहा है। या फिर कोई ऐप वीडियो के लिए अगर उसको प्रेफर करनी है, वीडियो के लिए और भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं लेकिन सिर्फ यूट्यूब को ही वो प्रमोट कर रहा है। मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप के अलावा भी और कोई आ रहा है लेकिन व्हाट्सएप को ही हमेशा प्रमोट कर रहा है। तो ये एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज के अंदर आएंगे क्योंकि ये गूगल की हेल्प से ही बने हैं। तो इनको भी ये तीन रूल्स, हमारे एंटी स्टेयरिंग और सेल्फ प्रेफरेंसिंग और थर्ड पार्टी को, इनको अलाउ करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि सबको एनफोर्स करने के लिए नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल की तरफ से ना, इनको ये देखिएगा आप, यहां पर इन्होंने बोला है
कि ना एक प्रॉपर एक बनाया जाएगा पेनल्टीज लगाने के लिए, कमेटी बनाई जाएगी कि अलग से इसका पेनल्टीज। यहां पर आप नोटिस करेंगे ना, ये देखिएगा जी, नेशनल कंपनी लॉ ने ना इसकी तरफ से एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा कि इस टाइप का जो भी अगर केस आता है उसको जल्दी से जल्दी हम सोल्व कर सके, और उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज यानी कि करीब 10% ऑफ देयर ग्लोबल टर्नओवर। और उसके बाद देखिए इसका जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म जैसे कि बिग टेक क्या कह रहे हैं, जैसे कि गूगल वगैरह जिनकी चिंता कारण हो रहा है कि हमें निकालना दे, कोई इंडिया का एक बड़ा कंप्यूटर उठकर आके हमें फेल ना कर दे, इसी डर के कारण ये कह रहे हैं अगर ये लोग स्ट्रिक्ट नॉर्म्स में हमें इतने सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दे देंगे तो हम अपनी रिसर्च और इनोवेशन पे टाइम नहीं दे पाएंगे। इंडिया में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब फ्री है, हम अपना दिमाग रिसर्च इनोवेशन पे लगा सकते हैं, लेकिन इतने नॉर्म्स दोगे तो रिसर्च करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या ये कंपनी के लॉ, क्या ये देश के लॉ के अंडर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ये बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि क्योंकि अगर किसी देश में आ रहे तो उनके लॉ को तो मानना पड़ेगा ना, उनको माने बिना आप कैसे काम चला लोगे, राइट। दूसरा, इंडस्ट्री जो कि इनकी हेल्प से बनी है, इन टेक जायंट्स गूगल वगैरह की हेल्प से जो बनी है अपने अपने कैंपेन चला चला के, वो बोल रही है कि ये ईयू डीएमए के एक्ट के कारण, जो यूरोपियन यूनियन में एक्ट है उसके कारण ना जो सर्च टाइम है वहां पर, अगर आप गूगल पे कोई सर्च करिए इंडिया में और यूरोप में सर्च करिए सेम आइटम इंडिया में, तो यूरोप में ना उस सही आइटम पे पहुंचने में जो आपने सर्च करी 4000% टाइम ज्यादा लगता है गूगल वहां पर यूरोप में एज कंपेयर टू गूगल में, तो यहां पर भी सर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा समय के साथ। तीसरी बात इन्होंने कही है इंपैक्ट स्टार्टअप्स को कि ये ना अगर हम ये सब रूल को फॉलो करते हैं, गूगल वगैरह बोल रहे हैं या अमेजन वगैरह की, अगर हम इन रूल को फॉलो करते हैं तो हमें अपने प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, अगर हम ये सारे बहुत सारे चेंजेस ले आए तो जो जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर बन रहे हैं वो हमारे डेटा पे बहुत रिलाई करते हैं, हमारे बिग क्राउड तक पहुंचने के लिए अपनी रीच बढ़ाने के लिए हमारे से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसके कारण उनको भी दिक्कत आएगी, आपके स्टार्टअप सिस्टम में भी दिक्कत आएगी, यानी कि एक धमकी टाइप की हो गई, राइट। तो ये सब थी जो बातें थी जो सारी की सारी रोल के अंदर हमें जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी थी, है ना। तो अब ये जो मुझे प्रॉब्लम लग रही है दोस्तों वो यही लग रही है कि कंपनीज को अब लग रहा है डर कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम फिर कैसे करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये अपनी मनमानी चलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप ने अभी हाईकोर्ट में धमकी दी थी अगर आप ये रूल लगाओगे तो मैम बाहर चले जाएंगे यहां से, है ना। कोई और रूल था वो कि अगर वो लगाओगे तो हम यहां से इंडिया छोड़ देंगे, गूगल ने लगाया था कि हम अगर कोई भी आप कोर्स बेचोगे प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हम 11% से 30% तक चार्ज करेंगे आप जो भी अगर कोर्स बेचो, तो अपनी मनमानी करना चाहते थे, तो आई थिंक इस बिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपका क्या मानना है इसके ऊपर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, ये जो फाइल है पूरी की पूरी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे अपडेट्स और सारा कुछ वहां पर आपको मिलता रहता है, ये मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, मिलते हैं आपको अगली अमेजिंग नॉलेज के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।